नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसी राम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है, एक मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कई सारे कमेंट करके कुछ सवाल पूछे थे। अब चूंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, केस में बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण से उनके सवालों का जवाब मैं नहीं दे पा रहा था, तो आज संडे है तो उनके सारे सवालों का जवाब दूंगा। उनका प्रॉपर्टी के बंटवारे से रिलेटेड सवाल था, तो वीडियो शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा न खींचते हुए। देखिए, उनका जो पहला सवाल था, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। स्व अर्जित संपत्ति का बंटवारा जीवित रहते हुए क्या पिता कर सकता है या जो गार्जियन होता है वो कर सकता है? देखिए, स्व अर्जित प्रॉपर्टी होती क्या है? स्व अर्जित प्रॉपर्टी हम उसको कहते हैं जो घर का मुखिया होता है या पिता होता है उसे स्वयं अर्जित करता है। स्व अर्जित मतलब स्वयं कमाता है। तो जब व्यक्ति स्वयं कमाता है तो उस पर उसका पूरा अधिकार होता है, और वो चाहे तो जीते जी भी बंटवारा कर सकता है या कोई बिल पास कर सकता है या जो चाहे वो कर सकता है। स्व अर्जित उसकी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति जो होती है उसको स्व अर्जित संपत्ति कहते हैं। इनका दूसरा सवाल था, अगर कर भी देता है तो न्यायालय में क्या मौखिक बंटवारा मान्य होगा? देखिए, अगर किसी आप जैसे मान लेता हूँ आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसके आप ओनर हैं, आप मालिक हैं, अगर आपने उसको कर दिया, आपने कोई बिल पास कर दिया, जो कि आप अपने प्रॉपर्टी के खुद मालिक हैं, और स्व अर्जित प्रॉपर्टी है, अगर आपने किसी को बंटवारा कर दिया, किसी को दे दिया है, तो उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आप जिसको चाहे उसको दें। रही बात इसमें कुछ करने की, तो देखिए, जब एक बार देखो, किसी भी चीज़ को हम एक ही बार सेल कर सकते, एक ही बार बंटवारा कर सकते, ऐसा नहीं है एक ही प्रॉपर्टी को हम चार बार बेच दें, चार बार बंटवारा कर दें। तो जब एक बार ऑलरेडी पहले से हो गया है, बंटवारा हो चुका है, जो उसका ऑनर था, जिसने खुद अर्जित किया था, अगर उसने बंटवारा कर दिया है, ठीक है, जैसे भी किया हो, तो उसको दोबारा करने के लिए पहले वाला जो बंटवारा है उसको पहले कैंसिल करवाना पड़ेगा, उसके बाद में आप फिर दूसरा बंटवारा के लिए कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक ऑलरेडी पहले से हो चुका है, उसके बाद में एक हो चुका है और उसके बाद में एक और कर लो, क्योंकि सेल या परचेज कुछ भी होता है या बंटवारा, पहले वाले को कैंसिल करो फिर दूसरा वाला करवा सकते हो। इनका तीसरा सवाल था जो कि समझ में नहीं आया है कि ये पूछ क्या रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक ही सवाल में, मतलब एक ही वाक्य में, एक ही लाइन में तीन चार सवाल डाल दिए थे, तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये पूछ क्या रहे हैं। दूसरी बात देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो स्टेट अमेंडमेंट की होती है। इनका इसमें ये नहीं पता चल रहा है, हर्ष, इनका नाम हर्ष है, तो ये नहीं पता चल रहा है कौन सी स्टेट से है, क्योंकि स्टेट अमेंडमेंट का बहुत ज़्यादा योगदान होता है हर कानून में, आप सबको पता होना चाहिए। एक जो एक कानून वो होता है जो पूरे इंडिया में लागू होता है, एक कानून जो क्षेत्रीय कानून होता है उसका भी बहुत ज़्यादा, क्षेत्रीय कानून हमेशा भारी होता है। तो जो स्टेट अमेंडमेंट है, आपका स्टेट नहीं पता चल पाया कि आप कौन से स्टेट से हैं, तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वहाँ पर एग्जैक्ट क्या नियम लागू होगा। तो इसलिए शायद मैं उस सवाल का जवाब देने में असमर्थ हूँ, बट अगर आप वो चीज़ कंफर्म कर देंगे तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा, इसका दूसरा पार्ट बना के। समझ गए, आशा करता हूँ ये चीज़ आप इतनी बात समझ गए होंगे। देखो, जो स्वार्जित प्रॉपर्टी होती है, ये चीज़ तो आप लोग समझ गए हो, जब व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है, स्व मिस होता है स्वयं, अर्जित मिस कमाना, जब आदमी स्वयं कमाता है तो उसको स्वार्जित प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो एक पैतृक संपत्ति होती है, यानी जो पितरों से प्राप्त होती है, यानी कि जो आपके दादा बाबा काका होते हैं उनसे प्राप्त होती है प्रॉपर्टी, वो अलग होती है, और जो दोनों पे अलग अलग नियम लागू होते हैं। स्व अर्जित प्रॉपर्टी पे अलग नियम लागू होता है और जो पैतृक संपत्ति होती है उस पर अलग नियम लागू होता है। आप हिंदू संसेशन एक्ट देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, दोनों प्रॉपर्टी पर बंटवारे पे भी अगर बंटवारा करेंगे तो उनका अलग अलग नियम लागू होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हर्ष जी, अगर आपका इसके बाद कुछ, जो आपका लास्ट वाला सवाल था मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने एक ही लाइन में तीन चार सवाल पूछ लिए, आप वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात, आपका स्टेट अमेंडमेंट नहीं पता चला, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि स्टेट अमेंडमेंट का भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये बंटवारा से रिलेटेड था,
और जैसा कि हर्ष जी ने सवाल किया था उसके हिसाब से मैंने इसका जवाब देने की कोशिश किया है। बाकी एग्जैक्ट जवाब के लिए इनकी केस क्या है, एग्जैक्ट केस इनसे बात करने के बाद ही कन्फर्म हो पाएगा, आखिर सिचुएशन क्या है, ये सारी चीज़ें। जब चूँकि इन्होंने वो चीज़ लिखा है जो ये कल्पना कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो होती हैं जो पार्टी से बात करने के बाद में, उनसे लगातार कंटिन्यू कनेक्टिविटी करने बनाने के बाद में कुछ चीज़ें ऐसी भी नई चीज़ें आती हैं सामने, जिनके बारे में जानने के बाद में एग्जैक्ट बिल्कुल राइट उत्तर तभी दिया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए बस लेता हूँ विदा आप लोगों से, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही लीगल टॉपिक वीडियो लेकर। जय हिंद।